हेलो फ्रेंड्स, आप सबको वेलकम करता हूँ अमर का यूट्यूब चैनल में। आपके साथ मैं हूँ अमर। दोस्तों, आज का वीडियो हम एक ब्रेसलेट के ऊपर बनाएंगे, ठीक है। और ये ब्रेसलेट के अंदर आज मैं आपको दिखाऊंगा पावे सेटिंग सिलाई पीस का जो पार होता है ना, जो पावे सेटिंग बोला जाता है और सिलाई पीस भी इसको बोला जाता है, वो कैसे बनाया जाता है, ठीक है। उसका प्रोसेस कैसे बनाया जाता है, क्या क्या प्रोसेस में ये होता है, ये चीज़ मैं आपको दिखाऊंगा आज। और इसके अंदर ही अंदर मैं आज आपको कुछ अलग टाइप का, ये जो ब्रेसलेट आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, ये कुछ अलग टाइप का होने वाला है, ठीक है। और मैं उम्मीद रखता हूँ दोस्तों कि आप सब मेरे अंत तक साथ में रहेंगे और एक एक स्टेप में जो आपको दिखाने जा रहा हूँ उन स्टेप को आप फॉलो करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो और एक बात दोस्तों, ये ब्रेसलेट के अंदर आज मैं आपको जीबी का प्रोसेस दिखाऊंगा, ठीक है दोस्तों। तो पिछले बहुत सारा वीडियो में मैंने दिखाया है, ओके। और जो जीबी जो मैंने पिछले वीडियो में दिखाया था वो था हार्डकट जॉइंट, उसको बोला जाता है, ठीक है दोस्तों। वो जीबी के अंदर बॉक्स नहीं था, ओके। और आज मैं जो आपको दिखाने जा रहा हूँ वो बॉक्स के अंदर कैसे जीबी फिटिंग होता है, ठीक है, इसका प्रोसेस में आज मैं आपको दिखाऊँगा, ओके। और एक बात दोस्तों, ये वीडियो शायद बहुत लंबा होने वाला है, तो मैं आपसे उम्मीद रखता हूँ कि आप सब मेरे साथ में रहेंगे अंत तक और एक एक स्टेप को आप फॉलो करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो चलिए मैं वीडियो शुरू करता हूँ। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करता हूँ दोस्तों, अगर मेरे इस वीडियो को देखने के बाद आप सबको अच्छा लगे और कुछ आइडिया मिले मेरे इस चैनल से, तो प्लीज़ मुझे कॉमेंट में ज़रूर बताइए और एक लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक है। तो चलिए मैं वीडियो शुरू करता हूँ। तो देखिए, सबसे पहले मैं क्या करूँगा, सबसे पहले तो ये जो ब्रेसलेट का जो आई डी वगैरह आपको दिख रहा है ना, ये चीज़ तो आपको शायद दिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि पिछले वीडियो में मैंने इसका प्रोसेस कैसे बनाया जाता है, क्या क्या कार्ब लेके इसको ये शेप आता है, तो मैंने फुल बता दिया था, ठीक है। तो मेरा टाइम कुछ बचाने के लिए ये चीज़ को मैंने पहले से ही बना के रखा है, ठीक है। दो चार आनी का माप लेकर मैंने ये ब्रेसलेट का साइज बनाया है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए, इसका आगे जो स्टेप है वो मैं आपको पूरा अच्छे से दिखा देता हूँ, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले मैं क्या करूँगा, ये जो मेरा आईडी है ना, इसको सबसे पहले मैं यहाँ से सॉलिड बना लेता हूँ, ठीक है। ये मैं देता हूँ 1.5 का, यानी कि 3 mm का मेरा ब्रेसलेट का जो आईडी वगैरह होगा वो 3 mm का चौड़ाई में आएगा, ओके, पता चल गया दोस्तों आपको, ठीक है। तो देखिए, मैं जाता हूँ फिर से फ्रंट व्यू में। जाने के बाद इसका जो जीबी वगैरह होगा ना दोस्तों, वो चीज़ मुझे सबसे पहले लेना पड़ेगा, ओके। इसलिए मैंने एक सेंटर लाइन लेकर इसका सेंटर कर लिया, ताकि मुझे बहुत ही इजी तरीके में ये चीज़ समझ में आ जाए, ओके। तो और एक चीज़ देखिए, ये जो सेंटर लाइन है ना, इसको ऐसे ऑफसेट कीजिए 7 mm तक, ये ऊपर में दीजिए, ओके। देने के बाद फिर से एक लाइन लीजिए, सेंटर कीजिए। करने के बाद ये जो 7 mm का अभी हमने ऑफसेट किया ना, उसके बीच में बिल्कुल यहाँ तक एक लाइन, इसको ऐसे ड्रॉ कीजिए। आपको दिख रहा है ना, ओके। अब देखिए, ये जो 7 mm का अभी आपने ऑफसेट किया, इसको कर दीजिए डिलीट, ओके। करने के बाद अब देखिए, यहाँ पर मेरा जीबी फिटिंग होगा, ओके। और यहाँ पर मेरा जो जगह है ना, यहाँ पर मेरा जॉइंट बनेगा, ठीक है। तो अब मुझे क्या करना होगा दोस्तों, ये जो मेरा आईडी का जो सॉलिड, ये जो पॉली सर्फेस है ना, इसको सबसे पहले मैं कर देता हूँ हाइट, ठीक है। हाइट करने के बाद देखिए, सबसे पहले तो चलिए मैं एक काम करता हूँ दोस्तों, ठीक है। ये वीडियो कुछ बहुत ही लंबा होने वाला है, तो इसलिए ये वीडियो मैंने दो पार्ट में आपको दिखा दूँगा, ठीक है। ये पहला पार्ट में आपको ये जीबी कैसे बनाया जाता है, इसका प्रोसेस में बहुत ही अच्छे से आपको दिखा देता हूँ, और छोटा वीडियो बहुत छोटा भी होगा और आपको समझने में बहुत ही इजी होगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए, मैं उम्मीद रखता हूँ कि आपको यहाँ से बहुत सारा आइडिया मिल जाएगा, ठीक है। आप मेरा ये जो एक एक स्टेप मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, ये आप प्लीज़ फॉलो कीजिए, ठीक है। देखिए, ये जो आपका आइडिया है, ठीक है दोस्तों, यहाँ से एक लीजिए लाइन, यहाँ से यहाँ तक एक लाइन ड्रॉ कीजिए, ओके। एक पॉइंट लीजिए और इस जो लाइन का मिडिल को पकड़ के एक पॉइंट यहाँ पर रख दीजिए, ओके। रखने के बाद यहाँ से एक सर्कल लीजिए, इस पॉइंट को सिलेक्ट करके, इस पॉइंट को ऐसे सिलेक्ट करके ये 4 mm तक एक सर्कल बनाइए, ठीक है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर मेरा जॉइंट बनेगा, ओके। और यहाँ पर मेरा जीबी फिटिंग होगा, ओके। तो देखिए, ये जो अभी आपने यहाँ पर सर्कल बनाया ना दोस्तों, इसको जाइए प्रोस्पेक्टिव व्यू में, ओके। जाने के बाद अब मुझे क्या करना होगा, मेरा जो ये जो आईडी है ना, इसको सबसे पहले मैं काम कर लेता हूँ, ठीक है। इसको मैं एक कॉपी पेस्ट करके, एक कॉपी को मैं कर देता हूँ दूसरा लेयर में हाइट, ठीक है। और मेरा जो 3D जो ब्रेसलेट का जो मेटल था, उसको मैं अनहाइट करता हूँ, ठीक है। तो देखिए, ये जो अभी आपने सर्कल बनाया, ओके, इसको ऐसे कीजिए सॉलिड। ये 3 mm है ना, इसको 1.5 तक दीजिए,
ये हो गया तीनवे में, ठीक है, ये तीनवे में आ चुका है ना। ओके, अब क्या करूँगा, इसको ऐसे सिलेक्ट करूँगा, ठीक है, और यहाँ से करूँगा बुलिन स्प्लिट। ये जो मैंने अभी अपने अभी मैंने ये जो सर्कल बनाया ना, इसको ऐसे सिलेक्ट कर दूँगा। ओके, करने के बाद इसका जो बीच का जो मेटल है उसको मैं ऐसे डिलीट कर दूँगा। ये आपको पता चल गया ना दोस्तों, ये देखिए ये हो गया एकदम कटिंग। ओके, ये चीज़ बहुत ही इजी तरीके में शायद आपको समझ में आ चुका है। अब मैं क्या करूँगा, ये जो मेरा जॉइंट बनेगा ना, इसको ऐसे सिलेक्ट करूँगा और जाऊँगा टॉप व्यू में, ठीक है। जाने के बाद इसको ऐसे मूव करूँगा 10 mm तक, ताकि मुझे काम करने में कोई तकलीफ ना हो, ठीक है। अब यहाँ से एक बार इसको चेक कर लेता हूँ, ठीक है। ये है 3 mm, यानी कि मुझे यहाँ से लेना होगा एक लाइन। इस लाइन को ऐसे ऑफसेट लगाना पड़ेगा बोथ साइड चालू करके 0.5 तक, यानी कि 1 mm तक इसका 1 mm तक थिकनेस होगा, ठीक है। अब इस सरफेस को ऐसे सिलेक्ट करके इसको यहाँ से कर दीजिए सॉलिड बोथ साइड चालू करके ऐसे, ठीक है। ये आपको पता चल रहा है ना ये क्या हो रहा है चीज़। अब देखिए ये जो आपका सर्कल का जो मेटल है इसको ऐसे सिलेक्ट कीजिए, फिर से यहाँ से कीजिए बुलिन स्प्लिट इसके साथ, ठीक है। ये देखिए ये मेरा 3 हिस्सों में डिवाइड हो चुका है, ठीक है। ये एक था, ये देखिए 1, 2, 3, आपको समझ में आया। आप फिर से जाइए टॉप व्यू में और फिर से इसको मूव कीजिए 10 mm तक, वो अपनी जगह में आ चुका है ना। अब इस लाइन को ऐसे कर दीजिए डिलीट, फ्रंट व्यू में जाइए, ठीक है। जाने के बाद ये जो पॉइंट है ना, इसको यहाँ से एक बोथ साइड लाइन चालू करके जाइए राइट व्यू में, ठीक है। जाने के बाद इस लाइन को थोड़ा सा ऐसे बड़ा रखिए, ठीक है दोस्तों, यानी कि आपका 3 mm का जो ब्रेसलेट का जो थिकनेस है ना, उससे थोड़ा सा ये कार्व बड़ा रखिए, ठीक है। अब रखने के बाद इस कार्व को ऐसे कीजिए 1.2 तक, ठीक है। आपको पता चल गया दोस्तों ये क्या हुआ। ओके, ये 1.2 से लेके 1.5 mm तक आप इसको दे सकते हो, ठीक है। ये मैं करता हूँ 0.75, यानी कि 1.5 mm तक मेरा ये पाइप हो चुका है। ओके, अब देखिए ये जो सर्कल का जो सॉलिड पीस है ना, इसको ऐसे सिलेक्ट कीजिए, ठीक है। करने के बाद यहाँ से कीजिए बुलिन स्प्लिट, बुलिन डिफेंस, ठीक है, इस पॉली सर्फेस के साथ। ये देखिए ये एकदम कटिंग हो चुका है। ओके, आपको पता चल रहा है ना एकदम, ठीक है। ये यहाँ पर मेरा जॉइंट हो गया। ओके, अब मुझे क्या करना होगा, ये जो मेरा ब्रेसलेट का जो पॉली सर्फेस है ना, इसको ऐसे सिलेक्ट करूँगा। करने के बाद यहाँ से एक सर्फेस लूँगा, ठीक है। ये बिल्कुल यहाँ से लेके यहाँ तक एक सर्फेस मैं ड्रॉ करूँगा। ओके, अब फिर से मैं ये मेरा ब्रेसलेट का जो पॉली सर्फेस है उसको ऐसे सिलेक्ट करूँगा और फिर से करूँगा बुलिन स्प्लिट इसके साथ, ठीक है। ये देखिए ये मेरा कटिंग हो चुका है, ये नीचे का एक हिस्सों में अलग हो चुका है और ऊपर का एक हिस्सों में अलग हो चुका है, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, नीचे का जो हिस्सा है इसको ऐसे सिलेक्ट करूँगा और ये जो सर्कल का जो बीच का जो हिस्सा है ना, इसको ऐसे सिलेक्ट करूँगा, ठीक है। करने के बाद कर दूँगा ग्रुप, ठीक है दोस्तों, और इसको ऐसे कर दूँगा हाइट। ये देखिए मेरा ये जो ब्रेसलेट का शेप आपका कुछ इस तरह का आएगा, ठीक है। आपको ये चीज़ ध्यान में रखना पड़ेगा दोस्तों, ऊपर का जो ब्रेसलेट का आपका हिस्सा है ना, उससे ये जो दोनों पॉली सर्फेस आपको मिलेगा, इन दोनों को इसके साथ ग्रुप करना पड़ेगा, ठीक है। और नीचे का जो हिस्सा है उसके साथ सिर्फ एक पॉली सर्फेस को आपको ग्रुप करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए अब मुझे क्या करना होगा, यहाँ पर मेरा जीबी का जो बॉक्स बनेगा ना, वो मुझे बनाना पड़ेगा और यहाँ पर मुझे जीबी बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो कैसे, देखिए यहाँ पर तो अभी अपने 7 mm का जो ऑफसेट किया था वहाँ से तो एक कार्व अभी अपने ड्रॉ कर लिया, ठीक है। इस कार्व को ऐसे कॉपी करना पड़ेगा, इसको ऐसे कीजिए एक कॉपी और ऐसे कीजिए एक कॉपी, ठीक है। इन दोनों कार्व को पकड़ के, ये देखिए आपको दिख रहा है ना, इन दोनों को पकड़ के कीजिए लॉक, ठीक है। ये हो गया लॉक। आप फिर से ये जो ब्रेसलेट का जो पॉली सर्फेस है इसको ऐसे सिलेक्ट कीजिए, करने के बाद इसको ऐसे कीजिए बुलिन स्प्लिट इस सर्फेस के साथ, ठीक है दोस्तों। ये देखिए मेरा यहाँ पर एक मेटल ऑलरेडी अलग हो चुका है इसके साथ, ये अलग हो चुका है और ये अलग हो चुका है, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर ये जो बॉक्स आपको दिख रहा है ना दोस्तों, ये होगा मेरा जीबी का जो बॉक्स बनेगा ना, वो बनेगा ये, ठीक है। तो ये जो पॉली सर्फेस आपको दिख रहा है ना दोस्तों, इसको ये सॉलिड है, ठीक है। इसको अब मुझे क्या करना पड़ेगा, ये जो जीबी मेरा अंदर जाएगा उसके लिए मुझे जगह बनाना पड़ेगा। कैसे, देखिए
तो देखिए, मैं ये जो मेरा पॉली सर्फेस है इसको मैं हाइड कर देता हूँ ताकि मुझे काम करने में कोई तकलीफ ना हो, ठीक है। इस कार्ड को भी मैं ऐसे हाइड कर देता हूँ, ठीक है। तो सिर्फ मेरा रहेगा ये मेरा जीबी का पीस सिर्फ रह गया, ओके। अब यहाँ से कीजिए डुप्लीकेट एज, ठीक है, यहाँ से और यहाँ से, ओके। इसको राइट क्लिक करके छोड़ दीजिए और ज्वाइन कर दीजिए, ठीक है। करने के बाद अब मुझे क्या करना होगा, ये जो मेरा कार्ड मुझे मिला ना दोस्तों, सॉरी, ये जो मेरा कार्ड मिला, ओके, इसको ऐसे कीजिए ऑफसेट कार्बन सरफेस, ठीक है। इस सरफेस को ऐसे सिलेक्ट कीजिए, एरो को अंदर कीजिए, पॉइंट फोर तक इसका थिकनेस दीजिए, ओके। ये आपको दिख रहा है ना, ये मेरा अंदर में 0.4 तक अंदर में एक बॉक्स मेरा बॉक्स का एक कार्ब चला गया, ठीक है। फिर से एक प्रोसेस, इस कार्ब को ऐसे सिलेक्ट करके इसको फ्लिप ऑल कीजिए, 0.4 तक दीजिए एक बॉक्स, ओके। तो क्या हुआ, ऊपर में 0.4 चला गया और नीचे में भी 0.4 चला गया, ठीक है। अब देखिए, मुझे ये बॉक्स जो है और ये जो बॉक्स है, इन दोनों को पकड़ के मेरा अंदर का जो हिस्सा है यानी कि अंदर का जो मेटल है उसको क्लियर बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, उसके लिए मैं यहाँ से कार्ब मेनू में जाऊँगा और जाने के बाद यहाँ से एक्स्ट्रा आइसो कार्ब लूँगा, ठीक है। और इस पॉली सर्फेस को ऐसे सिलेक्ट करूँगा और इसका मिडिल को पकड़ के ऐसे एक लाइन ड्रॉ करूँगा, ठीक है। जाने के बाद मैं जाऊँगा फ्रंट व्यू में, ठीक है। फ्रंट व्यू में जाने के बाद इस लाइन को पकड़ के ऐसे ऑफसेट करूँगा 0.4 तक, ठीक है। ये देखिए, इसको मैं ऐसे हाइड कर देता हूँ, ठीक है। ये देखिए, आपको पता चला है ना, ये मेरा 0.4 तक अंदर में चला गया मेरा ये कार्ब, ठीक है। और अब मुझे देखिए, ये जो कार्ब है, ये जो बॉक्स है और नीचे का जो ये बॉक्स है, ठीक है दोस्तों, इन तीनों को ऐसे पकड़ के यहाँ से मैं करूँगा स्वैप 1, ठीक है। ये देखिए, ये मेरा अंदर में एक पॉली सर्फेस मेरा रेडी हो गया, ठीक है दोस्तों। आपको पता चला है ना, ये मेरा 0.4 तक अंदर में एक पॉली सर्फेस मेरा रेडी हो गया, ठीक है। अब इसको मैं ऐसे सॉल्यूट करता हूँ, करने के बाद ये जो बाहर का जो मेरा जीबी का बॉक्स है ना, उसको ऐसे सिलेक्ट करूँगा और करने के बाद यहाँ से कर दूँगा बूलियन स्प्लिट। ये जो अंदर का जो पॉली सर्फेस है इसको ऐसे सिलेक्ट करके एंटर कर दूँगा, ठीक है। करने के बाद इसको ऐसे डिलीट कर दूँगा, ये देखिए, ठीक है। ये मेरा बॉक्स देखिए एकदम अंदर से क्लियर हो चुका है, आपको पता चल रहा है ना दोस्तों, ठीक है। यहाँ पर मेरा जीबी अंदर में यहाँ पर जीबी जाएगा, ठीक है। तो देखिए, ये तो सिर्फ मेरा हुआ बॉक्स, ओके। अब जो मेन जो काम है वो अब बाकी है, ठीक है। कैसे, देखिए, आपका ब्रेसलेट का जो नीचे का हिस्सा है, ठीक है दोस्तों, यानी कि बीच का जो आपका हिस्सा है ना, वहाँ से एक लाइन ड्रॉ कीजिए, ऐसे एंड से एंड तक एक लाइन ऐसे ड्रॉ कीजिए, ठीक है। करने के बाद जाइए टॉप व्यू में, ठीक है। जाने के बाद इस लाइन को ऐसे ऑफसेट कीजिए 1 mm तक, ठीक है। ये देखिए, 1 mm तक मैंने ऑफसेट किया और इन दोनों कार्ब को पकड़ के ऐसे मेरा एक शेप हुआ, ठीक है। और मैं कोशिश करूँगा दोस्तों कि मैं आपको बहुत इजी तरीके में ये चीज़ समझा सकूँ, ठीक है दोस्तों। तो देखिए, ये कार्ब और ये कार्ब इन दोनों को ऐसे पकड़ के लॉफ्ट कीजिए, ठीक है। ये रहा लॉफ्ट, ठीक है। ये मेरा अंदर में एक मेटल रेडी हो गया, एक सरफेस रेडी हो गया, ठीक है। अब इस सरफेस को ऐसे सिलेक्ट कीजिए और कीजिए ऑफसेट सरफेस, ठीक है। ये जो एरो ऊपर में है ये ठीक है, ऊपर में ही जाएगा। इसको सॉलिड कीजिए 0.5 तक, ठीक है। ये देखिए, 0.5 तक मेरा एक मेटल मेरा अंदर चला गया, ये आपको दिख रहा है ना दोस्तों, ये मेरा 0.5 तक मेटल अंदर में चला गया, ठीक है। अब देखिए, यहाँ से एक लाइन लीजिए, ठीक है, बिल्कुल इसका मिडिल से, ठीक है, इसका मिडिल से एक लाइन लीजिए और इसका नियर चालू करके बिल्कुल ऐसे, ठीक है दोस्तों, एक लाइन को ऐसे ड्रॉ कीजिए, ओके। आपको पता चल रहा है ना दोस्तों, मैंने ये लाइन कहाँ पर ड्रॉ किया। अब करने के बाद इस लाइन को ऐसे कीजिए सॉलिड, इसको बोथ साइड, अगर आप ना चाहो तो कोई बात नहीं, इसको बोथ साइड ऑफ कर सकते हो। मैं बोथ साइड चालू करके ये मैं देता हूँ 2 mm तक, ठीक है। आपको पता चला है ना दोस्तों, मेरा एक मेटल कहाँ तक चला गया, 2 mm में। अब देखिए, ये जो सरफेस है इसको ऐसे ऑफसेट सरफेस कीजिए, ठीक है। इसको बोथ साइड चालू करके सॉलिड कीजिए 0.5 तक, ओके। आपको पता चला है ना दोस्तों ये क्या हुआ। अब देखिए, ये जो आपका जीबी का जो, सॉरी, पहले मैं एक काम कर लेता हूँ, ये जो अंदर का पॉली सर्फेस है, सबसे पहले मैं उसको
ऐसे डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, अब देखिए ये जो आपका बॉक्स है, ठीक है, इसको ऐसे सिलेक्ट कीजिए और यहाँ से कर दीजिए बूलियन स्प्लिट। ये जो पॉली सरफेस अभी आपने बनाया ना उसके साथ, ठीक है, एक हो गया बूलियन स्प्लिट। अब ये जो सपोर्ट अभी आपने बनाया दोस्तों, इसको ऐसे सिलेक्ट कीजिए और फिर से कीजिए बूलियन स्प्लिट इसके साथ। ठीक है, ये देखिए मेरा यहाँ पर काटिंग, ये देखिए आपको पता चला ना दोस्तों ये क्या हुआ, यहाँ पर मेरा एक काटिंग हो गया। और ये जो मेटल आपको दिख रहा है ना, ये चीज़ रखना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है दोस्तों, ये चीज़ को रखना बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि मेरा जीबी यहाँ पर जाके लॉक होगा। ठीक है, तो मैंने जीबी एक वीडियो में बहुत ही इजी तरीके में दिखा दिया था। ठीक है दोस्तों, अगर आपको ये प्रोसेस अगर आपको समझने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है तो आप वहाँ से जाके मेरा वो जो जीबी का प्रोसेस मैंने आपको दिखाया था वो वीडियो आप बहुत ही इजी तरीके में देख सकते हो और आपको बहुत ही इजी तरीके में ये चीज़ समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए ये मेरा हो गया, मेरा जीबी का ये जो बॉक्स होगा वो मेरा एकदम रेडी हो गया। ओके, अब मैं क्या करूँगा, ये जो मेरा ऊपर का कार्व है इसको ऐसे कर दूँगा पैच। ठीक है, ये बंद हो गया ऊपर में और इसको मैं ऑफसेट सरफेस करता हूँ और इसको सॉलिड कर देता हूँ 0.5 तक। ठीक है, आपको पता चला है ना दोस्तों ये क्या हुआ, 0.5 से लेकर अगर इसको थोड़ा सा कम भी आप दे सकते हो क्योंकि ये कुछ ज़्यादा देने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये सिर्फ मेरा ये जो अंदर का चीज़ है वो गार्ड क्लोज होने में मेरा मदद करेगा। ठीक है दोस्तों, तो अब देखिए ये चीज़ को मैं ऐसे पकड़ लूँगा और ऐसे कर लूँगा ग्रुप। ठीक है, ये हो गया मेरा जीबी का बॉक्स रेडी। ओके दोस्तों, अब मुझे करना होगा यहाँ पर मेरा जीबी मुझे फिटिंग करना पड़ेगा। ठीक है, उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ से एक माप लूँगा। ठीक है, इंड से लेके इंड तक ये 2.20 तक आ रहा है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा दोस्तों, ये 2.20 आ रहा है ना, इसको मैं एक बॉक्स लूँगा ऐसे। ठीक है, इसको मैं 2.20 तक एक बॉक्स ड्रॉ करूँगा और नीचे में दूंगा 7 mm तक। ठीक है, अब इसके अंदर मुझे जीबी फिटिंग करना पड़ेगा, सॉरी इसके अंदर मुझे ये जीबी बनाना पड़ेगा 2.20। तो चलिए इसके अंदर जीबी बनाया जाए। ओके, यहाँ से मैं एक लाइन बिल्कुल ऐसे ड्रॉ कर लूँगा। ठीक है, अब इस लाइन को मैं ऐसे ऑफसेट करता हूँ, इधर देता हूँ 1 mm तक, 1 mm कुछ ज़्यादा हो रहा है कोई बात नहीं, 0.8 तक देता हूँ यहाँ पर और यहाँ पर मैं देता हूँ 0.8। ठीक है, ये दोनों कार्ड मुझे मिल चुका है, इन दोनों को थोड़ा सा ऐसे मूव करके डाउन कर देता हूँ। ठीक है, करने के बाद यहाँ से लूँगा स्टार्ट पॉइंट, इसको ऐसे पकड़ लूँगा और ऐसे पकड़ लूँगा और ऐसे कर दूँगा। ठीक है, इन दोनों को पकड़ के कर दूँगा ऐसे जॉइंट। ओके, अब इसको मैं ऐसे ऑफसेट लगाता हूँ 0.7 तक। ठीक है दोस्तों, ये आपको पता चला है ना, ये मेरा दोनों कार्ड यहाँ पर मुझे मिल चुका है। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, इस लाइन को, इस बॉक्स को मैं सिलेक्ट करूँगा। ठीक है, और ट्रिम कर लूँगा एक साइड का कार्ड को। ठीक है, ये आपको पता चला है ना ये क्या हुआ। ओके, अब मैं क्या करूँगा, इस कार्ड को ऐसे पकड़ के मूव कर दूँगा बिल्कुल यहाँ पर, यहाँ पर। ठीक है, करने के बाद फिर से मैं मूव करता हूँ बिल्कुल यहाँ पर। ठीक है, करने के बाद इसको मैं केज एडिट करता हूँ। ठीक है, ये रहा केज एडिट, बाउंडिंग बॉक्स सी प्लेन डबल एंटर। ओके, करने के बाद इसको ऐसे पकड़ के ऐसे कर दूंगा। ठीक है, आपको पता चला है ना दोस्तों ये क्या हो रहा है, इसको थोड़ा सा ऐसे कर दूंगा क्योंकि मेरा जो जीवी का जो प्रोसेस है ना वो देखिए सीधे नहीं है, वो थोड़ा सा बैंड में है। ठीक है, इसलिए मेरा जो जीवी है उसको मैं ऐसे थोड़ा सा बैंड कर लिया, मैंने थोड़ा सा इसको ऐसे बैंड कर लिया। ठीक है, ये देखिए आपको पता चला है ना दोस्तों ये क्या हुआ, ये मेरा जीबी बन रहा है। ओके, अब देखिए इसको ना ऐसे एक लाइन ऐसे ड्रॉ करूँगा और एक लाइन ऐसे ड्रॉ करूँगा। ठीक है, इसको ऐसे जॉइंट कर दूँगा, करने के बाद इसको ऐसे सॉलिड करूँगा। ठीक है, ये राइट व्यू से करता हूँ ताकि मुझे कोई तकलीफ ना हो ये बनाने में। ठीक है, ये बिल्कुल ऐसे दीजिए क्योंकि आपका जो जीबी का जो बॉक्स है ना वो उसका जो साइज है उसके हिसाब में आपको ये जीबी बनाना पड़ेगा। ओके, ये चीज़ आपको तो शायद बहुत इजी तरीके में समझ में आ चुका है। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, इसको ऐसे सिलेक्ट करूँगा। ठीक है, करने के बाद और इसको ऊपर में कर दूँगा ऐसे। ठीक है, ये आपको पता चला है ना दोस्तों मेरा जीबी अंदर में चला गया। ठीक है दोस्तों, ये मेरा अंदर में मेरा जीबी चला गया। ओके, तो अब देखिए अब जो मेरा असली काम होगा वो होगा अब।
ठीक है। कैसे, देखिए मेरा जीबी को ये बॉक्स, ये जो बॉक्स मैंने बनाया ना, इसके साथ मुझे फिटिंग करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसके लिए देखिए, ये जो आपका सपोर्ट है, ठीक है, ये जो आपका मेन सपोर्ट है, ये आपको दिख रहा है ना। सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ, मेरा जो जीबी है दोस्तों, उसको मैं थोड़ा सा 5 mm तक साइड में ले लेता हूँ, ठीक है, ताकि मुझे काम करने में कोई तकलीफ ना हो, ठीक है। ये रहा मेरा जीबी और ये रहा मेरा बॉक्स, ठीक है। अब देखिए, ये जो अंदर में जो अभी आपने सपोर्ट दिया ना दोस्तों, वहाँ से एक लाइन ड्रॉ कीजिए, कैसे, इस एंड से लेके ना एकदम इस एंड तक, आपको समझ में आया। ये मेरा एक लाइन रेडी हो गया, ठीक है। अब इस लाइन को ऐसे कॉपी कर लीजिए बिल्कुल बाहर में, ठीक है। इन दोनों को पकड़ के लॉफ्ट कीजिए, लॉफ्ट एक सरफेस बना लीजिए, ओके। अब इस सरफेस को ना थोड़ा सा ऐसे स्केल कर लीजिए, ये मिडिल से लेके इसको थोड़ा सा ऐसे स्केल कर लीजिए, ठीक है। अब ये जो मेरा जीबी है दोस्तों, इस जीबी को ऐसे मूव करना होगा 5 mm तक, ठीक है। ये अपनी जगह में चला गया। अब मुझे क्या करना होगा, इस बॉक्स को ना सबसे पहले मैं कर देता हूँ हाइट, ठीक है। करने के बाद देखिए, ये जो मेरा सरफेस है ना, इसको, ये जो मेरा जीबी है, इसके साथ मुझे स्प्लिट करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो एक्स्ट्रा जो बाहर में है ना, ये चीज़ को मुझे स्प्लिट कर देना पड़ेगा और क्लियर बनाना पड़ेगा, ठीक है। ये एक चीज़ बाहर में रहेगा और ये एक चीज़ पूरा जो जीबी का जो मेरा सपोर्ट है वहाँ तक रहेगा, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा, ये जो मेरा सरफेस है दोस्तों, इसको ऐसे सिलेक्ट करके ना थोड़ा सा मूव कर लूँगा बिल्कुल ऐसे, ठीक है। ये चीज़ आपको देख के करना पड़ेगा, क्योंकि ये सरफेस, ये पॉली सरफेस के साथ अगर टच में रहेगा तो ये सरफेस भी कट जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको देख के करना पड़ेगा। अब मुझे क्या करना होगा, ये चीज़ को ऐसे सिलेक्ट करता हूँ और फिर से कर लेता हूँ बुलिन स्प्लिट इसके साथ। ये देखिए, मेरा नीचे का हिस्सा जो है वो कट गया, ठीक है, ये आपको पता चल गया ना दोस्तों। अब मुझे इसको ऐसे सिलेक्ट करना पड़ेगा, करने के बाद मैं फिर से स्केल कर देता हूँ, ओके। ये रहा स्केल, मिडिल को पकड़ के एकदम यहाँ तक, ठीक है। अब फिर से मैं स्केल यूज़ करता हूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ तक, ठीक है, ये आपको पता चला है ना दोस्तों ये क्या हो रहा है, ठीक है। तो रुकिए, आपको बहुत इजी तरीके में ये चीज़ समझ में आ जाएगा। तो मैं एक काम करता हूँ, सबको मैं अनहाइट करता हूँ, ठीक है। अनहाइट करने के बाद ये चीज़ हाइट कर देता हूँ। ये रहा मेरा बॉक्स और ये रहा मेरा जीबी। अब मुझे क्या करना होगा, इस जीबी को ना माची बनाना पड़ेगा। माची का मतलब क्या होता है दोस्तों, ये जो मेरा जगह जो मैंने बनाया है ना, यहाँ पर मेरा एक लॉक बनाना पड़ेगा, ठीक है। इसलिए इस सरफेस को ऐसे सिलेक्ट करूँगा और फिर से कर दूँगा स्केल, ठीक है। स्केल करने के बाद इसका मिडिल पकड़ के और इसका मिडिल पकड़ के एकदम यहाँ तक, ठीक है, ताकि ये जो मेरा जगह है इसमें मेरा ये माची अंदर जा सके, ओके। आई होप ये चीज़ आपको बहुत इजी तरीके में शायद समझ में आ रहा है, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, इसको जाऊँगा फ्रंट व्यू में, ठीक है। जाने के बाद इसको ऐसे सॉलिड बना लूँगा, ठीक है, बिल्कुल यहाँ तक, ठीक है दोस्तों। ये देखिए, ये चीज़ आपको समझ में आ रहा है ना, ये क्या हो रहा है, ठीक है। अब देखिए, इसको ऐसे स्केल कीजिए, यहाँ से लेके एकदम यहाँ तक, ठीक है, ताकि ये जो आपका बॉक्स है ना, उसके बाहर में ये आपका माची जो है ये रहे, ठीक है। अब देखिए, फिर से मुझे स्केल करना पड़ेगा ऐसे, यहाँ से लेके यहाँ तक और इस नियर तक, ठीक है, आपको पता चला है ना दोस्तों ये क्या हो रहा है, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा दोस्तों, इसको, ये थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, फिर से मैं यहाँ से स्केल कर देता हूँ थोड़ा सा ऐसे, ठीक है, ओके। इसको मैं एक काम करता हूँ, आपको बहुत ही इजी तरीके में समझ में आए इसलिए मैं इसको ऐसे हाइड कर देता हूँ, ठीक है। ये देखिए, आपका जीबी का कंडीशन कुछ इस तरह का आएगा, ओके। अब देखिए, ये चीज़ और ये चीज़, इसको पकड़ के ऐसे ग्रुप कर दीजिए, ठीक है। करने के बाद अब मैं सारा चीज़ को अनहाइड करता हूँ, ओके। ये देखिए, मेरा जीबी यहाँ पर एकदम फिटिंग हो चुका है। अब मैं क्या करता हूँ दोस्तों, इस जीबी को इस पॉली सरफेस के साथ, नीचे का जो पॉली सरफेस है उसके साथ मैं कर देता हूँ ग्रुप, ठीक है। अब ग्रुप करने के बाद यहाँ से एक बार रोटेट करके आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, मेरा जीबी एकदम, ये देखिए, मेरा जीबी एकदम रेडी हो गया, ओके। ये चीज़ आपको समझ में आ रहा है ना दोस्तों। ये रहा मेरा जीबी का बॉक्स, ये रहा मेरा जीबी का बॉक्स और ये रहा मेरा जीबी, ठीक है।
ये देखिए, ये कुछ इस तरह में, सॉरी इस तरह से आपको ये जो जीबी है, मैं एक बार फिर से दिखा देता हूँ आपको। ठीक है, ये रहा मेरा जीबी, इसको मैं ऐसे रोटेट करता हूँ। ओके, ये देखिए आपका जीबी कुछ इस तरह में आएगा। ओके, आपको पता चला है ना दोस्तों। ठीक है, तो चलिए यहाँ तक मेरा कंप्लीट हो चुका है। अब मैं क्या करूँगा दोस्तों, अब मुझे करना होगा यहाँ पर, मुझे पावे सेटिंग जो होगा उसका पीस मुझे बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो इसलिए मैं मेरा जो जीबी है इसको मैं हाइड कर देता हूँ। ठीक है, इस कार को भी मैं ऐसे हाइड कर देता हूँ। ओके, अब देने के बाद ये जो मेरा मिडिल का कार्ड था इसको मैं ऐसे ऑफसेट करता हूँ 7 mm तक। ठीक है, करने के बाद अब मैं क्या करूँगा दोस्तों, अब मुझे यहाँ से लेना होगा एक डुप्लीकेट एज। ये रहा डुप्लीकेट एज। ओके, इस डुप्लीकेट एज को ऐसे और ऐसे सिलेक्ट करूँगा। ठीक है, करने के बाद इसको राइट क्लिक करके छोड़ दूँगा। ठीक है, अब ये जो मेरा जीबी है इसको मैं एक बार ऐसे मिरर कर लेता हूँ। ठीक है दोस्तों, ऐसे, ताकि मुझे इजीली समझ में आ जाए कि मेरा जीबी का जगह कहाँ पर रहेगा। ओके, अब मैं क्या करूँगा, इसको ऐसे सिलेक्ट करूँगा। करने के बाद इसको ऐसे एक एक्स्ट्रा आइसो कार्ड में यहाँ से बना लूँगा। ठीक है, लेने के बाद मेरा जो जीबी है उसको मैं ऐसे डिलीट कर दूँगा। ठीक है, करने के बाद यहाँ पर मेरा एक कार्ड आ चुका है, आपको दिख रहा है ना, 7 mm के ऊपर एक कार्ड मेरा आ चुका है यहाँ पर। अब इस कार्ब और इस कार्ब को ऐसे सिलेक्ट कीजिए। ठीक है, यहाँ से कर दीजिए ट्रिम, ये जो नीचे का जो हिस्सा है इसको ऐसे ट्रिम कर दीजिए। ओके, ये हो गया मेरा, यहाँ पर ट्रिम हो गया। ओके, अब मैं क्या करूँगा, ये कार्ब और ये कार्ब, सॉरी दोस्तों, ये कार्ब, सॉरी, इन दोनों को ऐसे पकड़ लूँगा। ठीक है, पकड़ने के बाद इसको ऐसे मूव कर दूंगा 10 mm तक, ताकि मुझे काम करने में बहुत ही इजी हो और कोई तकलीफ ना हो। ठीक है, और अब देखिए ये रहा मेरा दोनों कार्ब। ठीक है, मैं एक बार फिर से आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, ये दोनों कार्ब मेरा, ये जो मेरा सरफेस का डोम है ना, ठीक है, इसके हिसाब से मेरा दोनों कार्ब मुझे मिल चुका है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो पावे सेटिंग जो होता है दोस्तों, ये कैसे काम करता है मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ, इन दोनों कार्ब को पकड़ के ना लॉफ्ट कर लेता हूँ। ठीक है, ये रहा लॉफ्ट, हो गया। अब हो जाने के बाद एक कार्ब को ऐसे सिलेक्ट करूँगा, करने के बाद ऑफसेट कार्बन सरफेस। ठीक है, इसको ऐसे सिलेक्ट करूँगा, एरो जो अंदर है ना, इस एरो को अंदर ही रहने दीजिए। ठीक है, इसको दीजिए 0.3 तक, एक कार्ब 0.3 तक चला गया। फिर से ये 0.3 को, 0.3 का जो कार्ब है उसको फिर से सिलेक्ट कीजिए और फिर से कीजिए ऑफसेट कार्बन सरफेस 0.2 तक। ठीक है, यानी कि मेरा कितना हुआ, यहाँ से लेके यहाँ तक 0.5 तक मेरा जगह हुआ। ठीक है, अब ये चीज़ को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। कैसे, देखिए ये जो 0.2 का अभी आपने ऑफसेट किया ना दोस्तों, इस कार्ब को फ्रंट व्यू में जाइए। ठीक है, जाने के बाद नीचे में ऑफसेट कीजिए 0.4। ठीक है, आप 0.2 का जो कार्ब था ना उसको ऐसे डिलीट कर दीजिए। ठीक है, करने के बाद इस सरफेस को एक काम कीजिए, डिलीट कीजिए। ये देखिए मेरा तीनों कार्ब, देखिए तीनों एंगल में आ चुका है। ठीक है, आपको पता चल रहा है ना दोस्तों। ठीक है, अब इन दोनों को ऐसे सिलेक्ट कीजिए। ठीक है, करने के बाद इसको मूव कीजिए यहाँ 10 mm, ये अपनी जगह में आ चुका है, इसको ऐसे मिरर कीजिए। ठीक है, ये दोनों साइड में आ चुका है। ठीक है दोस्तों, ये मेरा कार्ब, इसको ऐसे हाइड कर दो। ये देखिए ये मेरा दोनों साइड में आ चुका है। ओके, अब मैं क्या करूँगा, ये जो नीचे का जो कार्ब है ना, इन दोनों को ऐसे सिलेक्ट करूँगा और कर दूँगा लॉफ्ट। ओके, अब ये कार्ब और ये कार्ब को सिलेक्ट करके लॉफ्ट। ठीक है, अब ये कार्ब और ये कार्ब को सिलेक्ट करके लॉफ्ट। ठीक है दोस्तों, ये आपको पता चल रहा है ना ये क्या हो रहा है। ठीक है, अब फिर से ये ऊपर का जो कार्ब है ना, इसको ऐसे सिलेक्ट कीजिए और कीजिए लॉफ्ट। ठीक है दोस्तों, ये देखिए मेरा एक पॉली सरफेस इस तरह का एक मेरा सामने आ चुका है। ओके, अब मैं क्या करूँगा, इसको ऐसे हाइड कर देता हूँ। देने के बाद फिर से लेता हूँ डुप्लीकेट एज, ये रहा डुप्लीकेट एज। ठीक है, लेने के बाद ये जो डुप्लीकेट एज आपको मिला, इसको कीजिए पैच। ठीक है, इस पैच को, पैच का जो सरफेस है उसको सिलेक्ट कीजिए, यहाँ से कर दीजिए मिरर। ठीक है, अब इस ये सब को पकड़ के कीजिए जॉइंट। ओके, अब सबको अनहाइड कीजिए। ठीक है, करने के बाद अब देखिए
यहाँ पर तो आपका ऑलरेडी पॉली सर्फेस एक आपको मिल चुका है। ओके, अब देखिए आपका ब्रेसलेट का जो ओरिजिनल जो पॉली सर्फेस है ना, उसको ऐसे सिलेक्ट कीजिए। ठीक है, करने के बाद यहाँ से कीजिए बुलियन स्प्लिट। ठीक है, ये जो अंदर का जो पॉली सर्फेस था ना, उसके साथ ये देखिए मेरा बुलियन स्प्लिट एकदम कट के रेडी हो चुका है। अनग्रुप ये देखिए। ओके, पावे सेटिंग का जो पार होता है दोस्तों, वो देखिए इस तरह का कुछ आता है। ठीक है, ये देखिए मेरा यहाँ पर चौड़ा है और यहाँ पर थोड़ा सा टेपर हो चुका है, और फिर से यहाँ पर लेवल है, यहाँ से फिर से टेपर और चौड़ा। ठीक है, ये चीज़ आपको पता चला है ना दोस्तों, ये चीज़ कैसे काम करता है। ठीक है, एक बार मैं फिर से दिखा देता हूँ। ये देखिए पावे सेटिंग का जो पार होता है वो कुछ इस तरह का आता है। ठीक है, आपको दिख रहा है ना ये चीज़। ठीक है, तो चलिए इसके ऊपर स्टोन बिठाया जाए। तो स्टोन बिठाने के लिए मैं क्या करूँगा दोस्तों, सबसे पहले मैं इसको हाइट कर देता हूँ। देने के बाद यहाँ से मैं लूँगा एक एक्स्ट्रा आइसो कार्ड और इस सरफेस को ऐसे सिलेक्ट कर दूँगा। देने के बाद इसका मिडिल कहाँ पर है, यहाँ पर है इसका मिडिल। ठीक है, इसका मिडिल में एक कार्ब ऐसे सिलेक्ट कर लूँगा। ठीक है, आपको दिख रहा है ना, इसका मिडिल में एक कार्ब आ चुका है। अब इस कार्ब को ऐसे सिलेक्ट करके मैं यहाँ से जाऊँगा जेम ऑन कार्ब एडवांस में। ठीक है, जाने के बाद इसका ये चीज़ तो मैंने पिछले बहुत सारा वीडियो में ये चीज़ आपको दिखाया था, आई होप ये चीज़ आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। ओके, अब देखिए यहाँ पर इसका जो साइज वगैरह है वो है 2 mm। अगर आपको लगता है ये कि ये 2 से आप कुछ ज़्यादा स्टोन आप दे सकते हो, तो आपको यहाँ पर एडिट करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, इसका स्पेसिंग कम कर देता हूँ। ये 2 है, ये मैं 1.5 कर देता हूँ। देने के बाद इसको ऐसे पकड़ के नीचे में ले लेता हूँ। ओके, ऐसे। ठीक है, और इसको ऐसे पकड़ के मैं बिल्कुल यहाँ पर लेके आता हूँ। ठीक है, और थोड़ा सा ऐसे। ठीक है दोस्तों, करने के बाद इसको राइट क्लिक करके छोड़ देता हूँ। ओके, ये देखिए मेरा स्टोन यहाँ पर एकदम पावे सेटिंग का जो पार होता है ना, पावे सेटिंग का जो पीस होता है, उसके अंदर मेरा स्टोन एकदम बैठ के रेडी हो चुका है। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, मेरा स्टोन को ऐसे सिलेक्ट करूँगा। ठीक है, करने के बाद मैं हर बार की तरह इस बार भी मैं आपको दिखा देता हूँ, सेटिंग में प्रॉन्ग एडिटर जेम्स को यहाँ पर अप्लाई कर दीजिए। देने के बाद इसका कुछ डायमीटर वगैरह होता है वो चेंज करना पड़ता है, जैसे कि टेपर को 0 रखना पड़ता है, ड्रॉप को 0.2। ठीक है, इसका हाइट जो है इसको 7.5 रखना पड़ता है, ये हाइट को भी 7.5 रखना पड़ता है, और जो स्मॉल का सॉरी प्रॉन्ग का जो साइज वगैरह होता है वो मैं 6 कर देता हूँ, 0.6, और ये भी मैं कर देता हूँ 0.6 तक। ठीक है दोस्तों, और इसको राइट क्लिक करके मैं ऐसे छोड़ देता हूँ। ठीक है, ये देखिए मेरा एकदम पावे सेटिंग का जो पीस होता है ना, उसमें एकदम देखिए स्टोन बिठा के एकदम मेरा प्रॉन्ग एकदम बैठ के रेडी हो चुका है। ठीक है, और ये देखिए मेरा पावे सेटिंग एकदम कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, ये जो मेरा जीबी का जो कलर है ना, उसको मैं थोड़ा सा ऐसे कलर चेंज कर देता हूँ। ठीक है, मैं ये कलर में कर देता हूँ, ताकि आपको बहुत ही ईजी तरीके में ये चीज़ समझ में आ जाए। ओके, ये देखिए दोस्तों मेरा पावे सेटिंग का पीस करके मेरा ब्रेसलेट का प्रोसेस एकदम रेडी हो चुका है जीबी बना के। ठीक है दोस्तों, ये आपको पता चल रहा है ना ये कैसे काम करता है। ठीक है, तो देखिए मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ कि ये चीज़ कैसे जीबी जो है ना वो कैसे आपको काम करना पड़ेगा। ऐसे ये देखिए आपका जीबी ऐसे बाहर आएगा और ऐसे अंदर जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये ऐसे बाहर आएगा और ऐसे अंदर जाएगा। ठीक है, फिर से ऐसे बाहर आएगा और ऐसे अंदर जाएगा। ठीक है, और ये जो जीबी का जो माची है ना दोस्तों, ये चीज़ आपको बाहर क्यों रखना पड़ता है, क्योंकि ये जो जीबी है ना ये स्प्रिंग होगा। ठीक है, ये अगर आपको ऊपर में से अगर ये आप दबाते हो तो ये जीबी नीचे में जाता है और आपका जीबी यहाँ से खुल जाता है। ठीक है, तो आई होप यहाँ पर तो मैं आपको बहुत ईजी तरीके में ये चीज़ आपको दिखा दिया। ठीक है दोस्तों, तो पार्ट 1 का वीडियो मैं यहीं तक रखता हूँ आज का वीडियो। ठीक है, और पार्ट 2 में मैं आपको दिखाऊँगा कि इसके ऊपर ये ब्रेसलेट के ऊपर और क्या क्या साज आप बना सकते हो। ठीक है, बहुत ही इजी तरीके में क्या क्या साज आप बना सकते हो वो मैं आपको दिखा दूँगा। ठीक है दोस्तों, तो आज का वीडियो मैं यहीं तक रखता हूँ, और मैं जितना हो सके अपनी तरफ से मैं पूरा कोशिश किया आपको समझाने में,
और अगर आपको अच्छा लगता है ये वीडियो देखने में तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए, और एक लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक है दोस्तों। तो आई होप ये चीज़ आपको बहुत आइडिया मिल चुका है, ठीक है। तो चलिए मैं वीडियो यहीं तक रखता हूँ, तो वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, और आपका दिन शुभ रहे।